और इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की की चुनौती से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे फेवरेट बॉक्सर को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया। जी हां, और इस बॉक्सर का नाम है निकोलाई बेलुएव। सिर्फ एक नहीं, पुतिन ने रूस के ही एक दूसरे बॉक्सर को भी जंग के मैदान में बुलाया है। दरअसल पुतिन का ये बॉक्सर इतना ज्यादा खूंखार है कि रिंग के मैदान में विरोधी के गिरने के बाद भी उसको बख्शता नहीं है। और इस बॉक्सर का नाम है व्लादिमीर मिनेव, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और इससे भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बहुत ही खतरनाक खूनी बॉक्सर के बारे में। जी हां, जिसे लेकर अब तक का पुतिन का सबसे शक्तिशाली योद्धा के तौर पर उसे जाना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस खूनी बॉक्सर से लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी अपना वॉर बॉक्सर बॉर्डर पर भेज दिया है। जंग के मैदान में किसका बॉक्सर भारी पड़ेगा, कौन किसको धूल चटाएगा, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध में विजेता वही होता है जिसके पास सेनापति अच्छा होता है। पुतिन के कई सेनापति दगा दे गए, लेकिन पुतिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। अब पुतिन ने रूस के सबसे खतरनाक और खौफनाक बॉक्सर्स पर अपना दांव लगा दिया है। ज़ेलेंस्की की चुनौती से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे फेवरेट बॉक्सर को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। इस बॉक्सर का नाम है निकोलाई वेल्युएव। पूरी दुनिया की बॉक्सिंग हिस्ट्री का सबसे ऊंचा बॉक्सर, सबसे लंबा बॉक्सर, सबसे ज्यादा वजन वाला बॉक्सर, निकोलाई वेल्युएव। सिर्फ एक नहीं, पुतिन ने रूस के ही एक दूसरे बॉक्सर को भी जंग के मैदान में बुलाया है। पुतिन का ये रशियन बॉक्सर इतना खूंखार है कि रिंग के मैदान में विरोधी के गिरने के बाद भी उसको बख्शता नहीं है। इस बॉक्सर का नाम है व्लादिमीर मिनेव। ये रूस के देगिस्तान प्रांत का बॉक्सर है। देगिस्तान, जिसको रूस की फाइटिंग फैक्ट्री कहा जाता है, यहीं से निकला है पुतिन का ये खास फाइटर बॉक्सर व्लादिमीर मिनेव। लेकिन ज़ेलेंस्की भी किसी से कम नहीं। ज़ेलेंस्की ने अपना सबसे जबरदस्त बॉक्सर, अपना वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बॉर्डर पर भेज दिया है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर उसी। पुतिन के इस खतरनाक खूनी बॉक्सर ने युद्ध को और भी दिलचस्प बना दिया है। ज़ेलेंस्की की सेना से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे फेवरेट बॉक्सर को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया। जी हां, तो इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने भी अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर उसी को जंग के मोर्चे पर उतार दिया। अलेक्जेंडर उसी पर ज़ेलेंस्की को बहुत भरोसा है। अलेक्जेंडर उसी ने युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के आर्मी के जोश को बूस्ट करना शुरू भी कर दिया है। यही नहीं, अलेक्जेंडर उसी ने पुतिन को चैलेंज भी दिया है। क्या चैलेंज दिया है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये मुकाबला क्या है। पुतिन ने दो
बॉक्सरों को जंग के लिए बुलाया है, निकोलाई वेल्युएव और व्लादिमीर मिनेव। और जेलेंस्की ने अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर उसी को जंग के मोर्चे पर भेज दिया है। कौन सा बॉक्सर किस पर भारी पड़ेगा? सबसे पहले निकोलाई वेल्युएव की बात करते हैं। निकोलाई वेल्युएव की लंबाई 7 फीट है और निकोलाई वेल्युएव का वजन 150 किलोग्राम है। निकोलाई ने आज तक रूस के लिए 53 बॉक्सिंग मैच खेले और इनमें से 50 बॉक्सिंग मैच निकोलाई ने जीते हैं। निकोलाई सिर्फ 3 बॉक्सिंग मैच हारे हैं। इसलिए निकोलाई पर पुतिन को जबरदस्त भरोसा है। पुतिन को यकीन है कि निकोलाई बॉर्डर पर जाएंगे और रूस का झंडा लहरा देंगे। पुतिन को खुद भी बॉक्सिंग और खेलों में काफी रुचि है और इसीलिए वो खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं। निकोलाई के भीमकाय रूप को देखते हुए दुनिया में निकोलाई को बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। निकोलाई ने पहली बार साल 2005 में WBA हैवीवेट खिताब जीता था। वेल्युएव ने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहकर रूस का नाम रोशन कर दिया। बॉक्सिंग के रिंग में रूस का झंडा गाड़ने के बाद निकोलाई ने रूस की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और सांसद बन गए। लेकिन यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के 6 महीने बाद, जब पुतिन यूक्रेन में बहुत मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं और खार्किव, इज्यूम और लीमान में हारने के बाद पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद बॉक्सर को यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। निकोलाई वेल्युएव ने बयान दिया है कि मुझे भी पुतिन सरकार की तरफ से एक सम्मान मिला है। सवाल यह है कि क्या मैं जाऊंगा? बेशक, मैं अब रूस की सेना में भर्ती होने के लिए भर्ती कार्यालय जाऊंगा। अब मैं यूक्रेन के डॉनबास की यात्रा करूंगा। लेकिन पुतिन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि निकोलाई वेल्युएव तो अभी जाने की तैयारी ही कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की ने अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर उसी को जंग में उतार भी दिया है। कितने खतरनाक है उसी, जरा उनका ये बायोडेटा देखिए। 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलेक्जेंडर उसी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। 2012 की चैंपियनशिप में भी उसी ने गोल्ड वाला मुक्का जड़ा। जेलेंस्की खुद अलेक्जेंडर उसी की जीत पर उनको बधाइयां देते हैं और इन्हीं अलेक्जेंडर उसी ने कैसे पुतिन को एक सख्त संदेश भेजा है, जरा देखिए। Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. उसी भले ही पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन खुद जूडू कराटे में ब्लैक बेल्ट है। शायद यही पुतिन के बेहद आक्रामक होने की वजह भी है। अपने इसी शौक के चलते पुतिन अपने विरोधियों पर हावी होना चाहते हैं और उन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर रखते हैं। लेकिन पुतिन से यूक्रेन के बॉक्सर अलेक्जेंडर उसी की दुश्मनी काफी पुरानी है।